नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ रिया साहू। बॉलीवुड के अभिनेताओं में रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर देखने को मिलता है। ऐसा ही एक चेहरा रील में खलनायक और रियल में नायक की भूमिका में है। इनका नाम सोनू सूद है। कोरोना महामारी के दौरान सोनू सूद हजारों लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए थे। आज भी सोनू लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। हम आज उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोनू सूद की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों की खिलखिलाती तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार शाम नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से हुई है। कार्यक्रम के दौरान सोनू सूद और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया। सोनू सूद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा, सर आप कैसे हैं? इस पर मुस्कुराते हुए सीएम भूपेश बघेल ने सकुशल होने का जवाब दिया। दोनों ने हाथ मिलाकर कुछ देर बात की। इस बीच मुख्यमंत्री ने सोनू सूद से कहा कि आप असल जिंदगी में हीरो बन चुके हैं, विलेन वाले रोल मत कीजिएगा। इस पर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। एक्टर सोनू सूद ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अब मुझे भी पॉजिटिव रोल मिलने शुरू हो चुके हैं, आपकी सलाह मेरे काम आएगी। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद परिवार के जरिए राजनीतिक पार्टी शुरू कर सकते हैं। साल 2022 में उनकी बहन मालविका सूद चुनाव में उतरेंगी। वह पंजाब के मोगा विधानसभा सीट से अगले साल हो रहे चुनाव में उम्मीदवार हो सकती है। इस पर सोनू सूद कह चुके हैं कि अभी पार्टी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर भी फैसला हो जाएगा। इस बीच सोनू कई राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात